जितने भी JKSSB के एस्पिरेंट हैं उनके हवाले से आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। इस वीडियो में हम एक डेटा आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो रियल टाइम डेटा है और जिस डेटा से कहीं ना कहीं आपका ज़रूर कोई फ़ायदा होगा। फ़ायदा उस सेंस में होगा कि काइंड ऑफ मोटिवेशनल या आप किसी तरह भी उसे ले सकते हैं। तो ये वीडियो आप सब करें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए आज की इस वीडियो में हम शॉर्ट शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे। ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं, जो काम की बात है मतलब की बात है वो हम करेंगे। और इसके साथ में ही दोस्तों अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप इस YouTube चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सोशल मीडियाज़ के लिंक्स मिल जाएंगे, जहाँ आपका दिल करे जहाँ पर आप चाहे आप हमें जाके फॉलो कर सकते हैं। और इन सभी सोशल मीडियाज़ का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे आपके साथ बहुत सारी ऐसी जॉब अपडेट्स, ऐसी PDF स्टडी मटेरियल और बहुत बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो आपके साथ शेयर करी जाती हैं। तो आप इस वीडियो को जो है वो ज़रूर एंड तक देखिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो चलिए आज का ये डिस्कशन हमारा स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। देखिए दोस्तों, कल मैंने एक डेटा आपके साथ शेयर किया था, मैंने आपके साथ यहाँ पे अगर आप देखें, द जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इज सेट टू रिलीज एडवर्टीजमेंट ऑफ 18,000 पोस्ट ऑन 1 अप्रैल। द एनुअल इज ओवर फॉर 18,000 इन डिफरेंट पार्ट डिपार्टमेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो अकॉर्डिंग टू द क्रेडिबल सोर्सेज, अब जो JKSSB को जो मतलब इनको गाइडलाइंस मिलेंगी कोर्ट की तरफ से, उसी के हिसाब से JKSSB अब आगे चलेगा और आगे काम करेगा। ये तो हो गया एक अपडेट। उसके अलावा फिर इसी अपडेट को थोड़ा सा खींच के हमने थोड़ा डिटेल में यहाँ पे डाला था, आपके साथ शेयर किया था, कुछ सोर्सेज से हमें मिला था ये। तो अब 18,000 पोस्टें किस किस डिपार्टमेंट में कैसे कैसे हैं वो देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, तो इसमें 214 ठीक है 214 पोस्टें हैं। एनिमल और शीप हस्बेंड्री में 345 है। डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर में 72 है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 654 है। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, तो हेल्थ में 3,500 है, मतलब 4,000 के आसपास है। उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो 249 पोस्टें हैं। हॉर्टिकल्चर की तो इसमें 249। और उसके बाद इंडस्ट्रीज कॉमर्स में 1,003 है। उसके अलावा दोस्तों पावर डिपार्टमेंट में 1,463 हैं। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में PWD में 1,720 पोस्टें हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में आपकी 214 पोस्टें हैं। एनिमल शीप हस्बेंड्री में 345 पोस्टें हैं। उसके बाद कल्चर डिपार्टमेंट में 72, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 654, इसी तरह से हेल्थ में ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपकी है 7,904 पोस्टें। उसके अलावा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में 785 पोस्टें हैं। उसके अलावा दोस्तों टूरिज़्म डिपार्टमेंट में 14 पोस्टें हैं और यूथ सर्विसेज बोर्ड में 12 हैं। तो टोटल ये आपकी बन जाती हैं 18,540 पोस्टें। तो इन सभी पोस्टों को थ्रू आउट द ईयर कंडक्ट किया जाएगा। इन सभी के पोस्टों का एग्ज़ाम जो है वो फुल चांस है कि 2023-24 में इनका ओवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, बजाय इसके कि कोई रिट वगैरह कोई ऐसा कोई कोर्ट का मसला ना हो। तो उम्मीद भी यही करता हूँ कि 2023-24 काफ़ी अच्छा हो सभी जम्मू एंड कश्मीर के यूथ के लिए, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिले और ज़्यादा से ज़्यादा डिज़र्विंग कैंडिडेट्स को, एस्पिरेंट्स को जो है वो नौकरी मिल जाए। अब यहाँ पे एक मुद्दा जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो मुद्दा ये है कि अभी जो ऑनगोइंग मतलब कंट्रोवर्सीज है, कोई मसला है सब रिस्पेक्ट रिक्रूटमेंट का और जल शक्ति का, तो उसके हवाले से मैंने आपको पहले ही बताया, यही चीज़ बताई कि भाई अब JKSSB
जो गाइडलाइंस आएंगी ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से, वही गाइडलाइन के हिसाब से JKSSB एक्ट करेगी, वही गाइडलाइन के हिसाब से JKSSB काम करेगी। ठीक है, तो ये अपने आप में एक कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बड़ी अपडेट है और इम्पॉर्टेंट अपडेट है। बाकी अब ये अपडेट कहाँ तक कब तक आती है, हाँ ये एक चीज़ मैंने बताया था आपको कि भाई फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, अब फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तो मतलब इस अप्रैल के महीने में ही हमें देखने को मिलेगा, बट मैं भी उम्मीद करूँगा कि अप्रैल के जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आता है उसके बाद हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिले। और उसके अलावा एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर कह देना चाहता हूँ कि सभी कैंडिडेट्स या एस्पिरेंट्स को मेरा मैसेज यही है कि भाई साहब आप जी जान लगा के मेहनत करें, पढ़ाई करें, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो है वो डेफिनेटली आपकी जॉब लग जाएगी, आपकी जॉब पक्की होगी। तो चलिए अपना डिस्कशन जो है वो आज का यहीं तक रखते हैं, बाकी कोई अपडेट आती है तो मैं ज़रूर आपके साथ रूबरू होऊंगा, आपके साथ अपडेट करूंगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है, मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा।